और एक कहानी हम लोग पेश करेंगे आज, पोएट्री के फॉर्म में होगी, और कहानी जिंदगी की है। जिंदगी जिंदगी एक्चुअली क्या है, और हम जिंदगी को जीते हैं, लेकिन एक कर्मा होता है ना वो। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि सब लोग ना अपनी अपनी क्रश को दिमाग से निकाल के यहाँ आ जाएं, क्योंकि फंडा आजकल चल रहा है, बुलाती है मगर जाने का हाँ, सब जाते हो कोई ऐसा लड़का नहीं जो नहीं जाता। और मैंने सुना है मैकेनिकल वाले नहीं है, नहीं है ना, फिर भी कितने लोग सिंगल है। कुछ तो शर्म करो भाई, कुछ तो भाई। अच्छा, तो ये पेंटिंग बनाएंगे, मैं बोलूंगा ऑब्वियसली क्योंकि मेरे हाथ में माइक है, तो ये जो भी मैं पोएट्री का बोलूंगा, जो भी इसका एब्स्ट्रैक्ट रहता है, जो भी एसेंस रहता है, वो आपको पेंटिंग में दिखेगा। और कहानी के साथ साथ चलना, बहुत आप सब की कहानी होगी, आप लोग अपने आप को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे इससे, क्योंकि आपने ये सब बहुत सुना भी होगा, शायद आपके परिवार में ऐसा हुआ भी होगा, या फिर शायद आपके साथ ऐसा हुआ एक्चुअली में। तो शुरू करें, एक बार जोरदार ताली बजाओ सारे परफॉर्मर के लिए, अपनी टेनिस कमेटी के लिए। तो शुरू करते हैं। आज मैं आप सबके लिए कुछ तो लाया जरूर हूं, इस बारे में बात करने के लिए आज मैं बहुत मजबूर हूं, जो मैं सुनाऊंगा आज वो तुम्हारा भी तो किस्सा है, एक यही तो है जो खुदा का बनाया हुआ सबसे खूबसूरत किस्सा है। हम उसे भूल गए हैं, वो हमसे बहुत नाराज है, उसकी यादें दबी है दिल में हमारे, और वो कहीं तो आबाद है। कल रात को जब मैं सो रहा था तो मुझे एक सपना आया, उस सपने में कोई अपना नहीं लेकिन फिर भी एक अपना आया, कहा उसने मुझसे कि तुम भूल गए हो मुझे, मैं तुम्हारा ही तो हूं, तुम्हारी दौड़ भरी जिंदगी का सुकून था तुम्हारा ही तो हूं। मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम हो कौन। जब उसने जवाब दिया तो हो गया सुनकर मैं भी कुछ पलों के लिए मौन। जानते हो क्या कहा उसने, कहा उसने मुझसे कि जिंदगी हूं मैं, क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे सच में खूबसूरत मानते हो। मैंने जवाब दिया कि वैसे तो खुदा की बनाई हुई हर चीज ही खूबसूरत होती है, पर कभी कभी हमें जिंदा रहने की नहीं बल्कि जिंदगी की जरूरत होती है। क्या बात करूं मैं जिंदगी की, ये जिंदगी कैसी एक कहानी है, पैदा होते के साथ हम इसे जीते हैं, क्योंकि एक नई दिन मौत आनी है। हम जिंदगी जीते तो हैं लेकिन कुछ ना कुछ करने के लिए, और हम पैदा होते हैं बस मरने के लिए। जिंदगी तो एक सफर है जो सिर्फ किरदार बन के रह जाता है, इसके वक्त की गति बहुत अलग है, बड़ी तेज रफ्तार से गुजर जाता है। जन्म लेते हम अंत का इंतजार करते हुए, किससे बनते हैं कहानियों से शुक्रगुजार करते हुए। अरे जो कहानियां होती है ना जो हम सब सुनते हैं, ये कहानियां ऐसे ही नहीं बनती, सिर्फ दिल और परमाणु से, दोस्ती के साथ साथ दुश्मनी भी रखनी पड़ती है अपने दिल के परमाणु से। तो चलिए आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ कि जिंदगी कैसे चलती है, ये मैं आप सबको बताता हूँ। अपने साथ में आपको आपकी ही दुनिया में ले जाता हूँ, आपको आपके अंदर के छुपे हुए आपसे मिलवाता हूँ। ये कहानी एकदम सत्य घटनाओं पर आधारित है, और जो भी किया है ना आपने जिंदगी में अभी तक, या फिर आप आगे जाके करोगे, उसकी लिखा पढ़ी इसी जन्म में होगी, ये करना मुझे साबित है। कहानी अगर आप सुनोगे ना तो सच्ची लगेगी, और अगर दिल लगाकर सुनोगे ना तो अच्छी भी लगेगी। ये मेरी भी आपकी हम सबकी कहानी है, बस एक तौरे जिंदगी ही है जो मुझे आज आप सबको सुनानी है। तो इस कहानी की भी हर कहानी की जैसे एक शुरुआत होती है, तो फिर खत्ते खेलते परिवार में ये बात होती है, जब पिताजी कहते अपने बेटे से कि बेटा 2 साल हो गए तुम्हारी शादी को, कम से कम अब तो इस बूढ़े बाप को उसके पोते का मुंह दिखा दो, पर यदि नहीं दिखा सकते बूढ़े बाप को उसके पोते का मुंह, तो उसको भी अपनी स्वर्गवासी माँ के पास भिजवा दो, ऐसी खबर देकर मेरा मुंह मीठा कराओ कि पापा सुनिए ना, घर में खुशी आने वाली है, और आकर वो सबके चेहरे पर खुशियां ही खुशियां लाने वाली है, जिसको मैं तेरी तरह अपनी गोद में खिला सकूं, जो चीज मांगे वो मुझसे मैं उसे खुशी खुशी दिला सकूं। तबीयत और बिगड़नी शुरू हुई पापा की, तो पापा के ताने बढ़ने लगे, ये ताने बेटे के दिमाग में चढ़ने लगे। बहुत कुछ हुआ परिवार में भी, तानों के बीच 3-4 माता रानी के जागरण और कुछ रोमांटिक गानों के बीच, और फिर घर में एक दिन ये खबर आई कि घर में खुशी आने वाली है, और आकर वो सबके चेहरे पर खुशियां ही खुशियां लाने वाली है। ये बात सुनकर बेटा भी तो अपनी पत्नी की सेवा में लग गया, वो जो संतान का मोह होता है ना, शायद उसके मन में वो था जग गया, सारा ध्यान उसने अपनी पत्नी की तरफ कर दिया, एक पल के लिए उसने बूढ़े पापा को अकेला कर दिया। पापा सोचते रहते जब मुझे मेरे बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत है, तभी इसने मुझे अकेला कर दिया, और कभी कभी यूं ही बैठकर शिकायत करते जिंदगी से, क्या जिंदगी तूने क्या चाहना, रिश्तों का मेला कर दिया।
बाबा देखते रहते अपने बेटे की दीवार पे लगी बचपन की उन तस्वीरों को, और फिर उनकी तस्वीरों को देखकर जिंदगी में महसूस करते दूरियों की लकीरों को, और फिर सोचते कि मेरी बेटी की भी क्या गलती है, ये ख्वाहिश मेरी ही तो थी, देख लो अपने पोते को मरने से पहले, ऐसी चाहत मेरी ही तो थी। एक दिन पिताजी की तबीयत और बिगड़ी तो उन्हें अस्पताल ले जाया गया, सांस लेने में शायद उन्हें दिक्कत हो रही है, जिससे उन्हें वार्ड नंबर 106 में भर्ती कराकर ऑक्सीजन का मास्क लगाया गया। डॉक्टर ने तो कह दिया कि आप आखिरी के कुछ दिन ही बचे आपके पापा के पास, बना सकते हो तो बना दो आखिरी के दिन अपने पापा के लिए खास। बेटा एक तरफ अपनी पापा की बिगड़ती तबीयत से परेशान था, कहीं ना कहीं डर था उसके मन में पापा को खोने का, शायद इसलिए वो जिंदगी से हैरान था। बेटा सोचता रहता कि पापा कहते थे कि मुझे मेरे पोते को देखना है, क्या मैं उनका सपना पूरा कर पाऊंगा या फिर उनके अधूरे सपने की शिकस्त के साथ मैं अधूरा ही मर जाऊंगा। लेकिन उसके बेटे के जन्म लेने के दिन भी तो पास आने लगे थे, और इस खुशी में बेटे के मन में बच्चों के अलग अलग नाम आने लगे थे। जहां इलाज चल रहा था पापा का, उसकी पत्नी के चेकअप का अस्पताल भी वही था, पूरे परिवार के सभी की दोनों की धड़कनों का भूचाल भी वही था। किसी को समझ नहीं आता था कि फोन की घंटी बजने पर खबर अच्छी आई है बुरी वाली। बेटे ने इतनी कश्मकश में जाग जाग कर न जाने कितनी रातें हैं निकाली। दोनों के वार्ड भी साथ ही थे, 105 पत्नी का 106 पापा का, तो बेटा कभी इधर जाता तो कभी उधर, और कभी कभी ऊपर देखता और कहता कि भगवान तू क्या खेल खेल रहे हो। लेकिन जब एक दिन उसे वार्ड नंबर 105 से एक छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारी सुनाई दी, तो जब खुशखबरी देने पहुंचा ना दौड़ा दौड़ा पापा के पास, तो उसको मशीन पर एक रेखा सीधी दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे मानो पूरे परिवार में खलबली मच गई हो, दो जिस्मों ने आपस में रूह ही बदल ली हो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि जो हुआ है उस पर रोए या फिर खुशियां मनाए, पहले जाकर बेटे का नाम रखे या फिर जाकर पापा को जलाए। उस दिन एहसास हुआ कि जिंदगी कितनी अजीब है, अस्पताल एक ऐसी जगह है जहां मौत जिंदगी के कितनी करीब है। पापा को शमशान ले जाकर वो अपने बेटे के हाथों जलाकर आया, लेकिन पापा के वो आखिरी लफ्ज मुझे मेरे पोते को देखना है, उनको कभी बुला ना पाया। अपने बेटे की परवरिश करते करते वो उसको उसके दादाजी के बारे में बताते रहा, लेकिन दादाजी के वो आखिरी लफ्ज मुझे मेरे पोते को देखना है, वो लफ्ज उसको हमेशा बताते रहा। उसने दादाजी की सभी यादों को समेट कर, उनके कपड़े, उनका चश्मा, उनकी डायरी को समेट कर एक बक्से में रख दिया, और कोई उस तक पहुंच ना पाए। मालूम नहीं क्या था कि कोई उस तक पहुंच ना पाए, इसलिए बक्से को उठाकर एक ऊंची अलमारी के ऊपर रख दिया। बेटा बड़ा होते होते उस बक्से को देखता रहता, पर कहते ना कहते उस बक्से तक पहुंच जाए, वो अपनी गेंद उस तक फेंकता, लेकिन वो कभी उस बक्से तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन उस बक्से तक पहुंचने का ख्याल कभी उसके दिमाग से नहीं जाता। जाकर कहता पापा से कि पापा मुझे वो बक्से को खोल कर दिखा दो, या फिर जाकर शिकायत करता मम्मी से कि मम्मी मम्मी मुझे पापा से बक्से की चाबी दिलवा दो, और पापा भी कह देते कि देख लेना उस बक्से को खोलकर जिस दिन मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन जब तू खोलकर देखेगा ना उस बक्से को तो देखना मैं तुझे बहुत याद आऊंगा। पापा दिन बीते और कुछ साल भी, और मेरे पापा को भी उनके पोते को देखने की ख्वाहिश हुई, जब सफेद होने शुरू हुए उनके बाल भी। इतिहास ने अपने आप को एक बार फिर से दोहराया जब पापा को उनके पोते को देखने का ख्याल आया। कहा पापा ने कि अब तू जल्दी से जल्दी शादी कर ले और मुझे मेरे पोते को मिला दे, जल्दी से जल्दी तू बहू ले आ और मुझे मेरे पोते की शक्ल दिखा दे। इतिहास ने अपने आप को एक बार फिर से दोहराया जब मुझे मेरे पापा की मौत की खबर देने घर से फोन आया। बताया मम्मी ने कि कहते एक के बाद एक पापा को 3-4 दिन के दौरे पड़े थे, जब जाकर देखा तो उनकी जेब में 3-4 खत पड़े थे। एक खत था मेरे पापा मेरे दादाजी के नाम, जिसमें लिखा था कि मेरे पापा मुझसे सिर्फ एक ही चीज चाहते थे, लेकिन मैं कभी उन्हें वो चीज दिला ना सका। चाहते थे वो मेरे बेटे से मिलना, लेकिन मैं कभी उन्हें उनसे मिला ना सका। एक खत था मेरी माँ के नाम, जिसमें लिखा था कि अपने दिल में दबे हुए मेरे कुछ सवाल रखना, अपने दिल में दबे हुए मेरे कुछ सवाल रखना, जब याद मेरी आए तो तुम अपना ख्याल रखना। और एक खत था मेरे नाम, जिसको पढ़कर मैं भी हो गया था कुछ पलों के लिए हैरान। लिखा था उसमें कि बेटा अब तुम जाकर उस बक्से को खोलकर देख सकते हो, और उस बक्से को खोलने के बाद तुम अपने बाप को जितना चाहे उतना पूछ सकते हो। पापा को भी ले जाकर मैं शमशान भी जलाकर आया हूँ, पापा को भी शायद मैं दादाजी के पास ही सुलाकर आया हूँ। पापा का वो आखिरी सपना ना पूरा कर पाने का मुझे हमेशा मलाल है,
वो लाल बक्सा, वो लाल बक्सा आखिर क्यों इतना जरूरी है? अब बस एक यही सवाल है। न जाने कहता क्या उस लाल बक्से के अंदर था, मैं खड़ा तो शांत हुआ था लेकिन मेरी आंखों में समंदर था। लेकिन जब मैंने घर जाकर लाल बक्से को अलमारी से नीचे उतारा तो याद आ गया मुझे मेरा बचपन सारा। जब मैंने उस लाल बक्से से यादों की धूल हटाई, सच में मुझे मेरे पापा की बहुत याद आई। बक्सा खोला तो मिला दादाजी का चश्मा, दादाजी के कुछ कपड़े और एक डायरी, जिसमें लिखी थी 3-4 कविताएं और कुछ शायरी। लिखा था दादाजी ने कि अपनी आंखों में मैंने बहुत पानी छुपाया है, मेरे अपनों ने मुझे हर मोड़ पर आजमाया है। लिखा था कि अगर ये कभी उनका पोता पढ़ पाए तो ये जान ले कि उसके दादाजी सिर्फ उससे ही मिलना चाहते थे, एक बार इस गोदी में उठाकर सिर्फ उसे ही खिलाना चाहते थे। और काफी शिकायतें भी लिखी हुई थी उसमें मेरे पापा के नाम। लिखा था पापा ने कहते नहीं किया दादाजी के मन का वो आखिरी काम। लिखा था दादाजी ने कि पापा ने कहते उन्हें अकेला छोड़ दिया था, जब जरूरत सबसे ज्यादा थी ना उनको उनकी, तभी उन्होंने उनसे मुंह मोड़ लिया था। मैं ये सब पढ़कर एहसास हुआ कि मैंने भी तो अभी यही किया है। ये वैसे पढ़कर मैं खत रहा हूं लेकिन इस खत को मैंने अभी किया है। आखिर क्यों होता है ना ऐसा कि हम बदल जाते हैं अपनी जरूरतों के साथ, छोड़ देते हैं उनको जिनका थाम के रखना चाहिए हमेशा हाथ। जरूरतें, ये जरूरतें ही तो होती हैं, मुश्किलें आती हैं और हम उनसे लड़कर खड़े होते हैं। ऐसे ही नहीं हम अपनी उम्र में बड़े होते हैं। वो लोग जो मेरी जिंदगी में आए थे कुछ पल के लिए वो मुझे बहुत भाए थे, वो लोग जो मुझे छोड़कर चले गए हमेशा साथ रहने का वादा करके बीच रास्ते में मुंह मोड़ गए। जाते जाते वो मुझे सिखा गए जिंदगी क्या होता है, ये वो बता गए। जिंदगी तो एक सफर है आने और जाने का, नई नई तरकीबों को रोज आजमाने का। अपनों में ही रहकर अब हम गैर हो जाते हैं और ये जिंदगी वाले गांव अक्सर शहर हो जाते हैं। कुछ लोग हमारे लिए अच्छे तो कुछ लोग बेकार होते हैं, लेकिन उन सभी लोगों के हमारे जीवन में कुछ ना कुछ किरदार होते हैं। किरदार वो जिनको अपने दिल में महफूज रखा जा सके, किरदार वो जिनके एहसास को अपने दिल के करीब रखा जा सके। और हमारे मन में कुछ कहानियां भी तो होती है ना जो हमारे अंदर जागती रहती हैं और फिर भी सोती हैं। कहानियां वो जिनका हम जिक्र करना कभी पसंद नहीं करते, कहानियां वो जिनको याद करके हम हर पल है मरते हैं, कहानियां वो जो हमें हताती भी बहुत हैं और रुलाती भी बहुत हैं, कहानियां वो जो हमें हताती भी बहुत है और रुलाती भी बहुत हैं, कहानियां वो जो लोगों के चले जाने के बाद याद आती भी बहुत है। शुक्रिया।